नमस्कार, मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके दिनचर्या में, आपके जिंदगी में, आपके पास हर जगह अवेलेबल है। बिना उसके हम अधूरे हैं, बिना उसके काम रुक जाता है, बिना उसके कोई ऑफिस नहीं चल सकती, बिना उसके हम नहीं चल सकते, बिना उसके आप ये वीडियो भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आज मैं टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं इंटरनेट के। किस पे? इंटरनेट के टॉपिक पे। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है दोस्तों? ये क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटरनेट है, ना तो वो एक जगह पे काम करता है, ना तो एक कैंपस में काम करता है, ना डिस्ट्रिक्ट में, ना स्टेट में, ना इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल नेटवर्क कहेंगे, ध्यान समझिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या करता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कहीं दूर बैठे हुए हैं, आप कहीं दूर बैठे हुए हैं, हम दोनों को अगर जोड़ना हो तो वो क्या जोड़ सकता है भाई? कोई भी, अगर हम सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि उसका तो कनेक्शन है इंटरनेट से, तभी तो चल रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो सोशल मीडिया का नेटवर्क आपसे अटैच्ड है, और वो अटैच करने वाला कौन है? इंटरनेट है। तो इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, ठीक है? तुम्हारा क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो काम करता है उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। हाँ दोस्तों, हम बता दें कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए जिस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। और हाँ, दूसरी चीज, एकमात्र क्लिक से, यानी कि कंप्यूटर की एकमात्र क्लिक से दुनिया की सारी चीजों को ढूंढना तभी संभव है जब हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क हो, यानी कि इंटरनेट हो। तो दोस्तों, हम बताते हैं, चलते हैं इसके थोड़ी से हिस्ट्री में कि हिस्ट्री कब हुई, कब से क्या इंटरनेट आया, कब से मार्केट में है, कब से यूज हो रहा है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, पूरी बात बताएंगे आपको। बस इस आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, इंटरनेट में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो हम बताते हैं, कहते हैं कि किसी चीज का जन्म होता है, तो हम बताएं कि जो इंटरनेट का जन्म हुआ वो 1960 से 1970 के बीच में हुआ था। किससे कब हुआ था? 1960 से 1970 के बीच हुआ था, वो भी कहां? यूएस में। ध्यान रखिएगा हमारी बात को, जो हमारा इंटरनेट है उसका जन्म कब हुआ? 1960 से 1970 के बीच में हुआ, यूएस में। उसके बाद जिन्होंने उसे डेवलप किया उसका नाम था ARPA, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या नाम था उसका? ARPA, यानी कि एडवांस रिसर्च। इधर हम बताते हैं आपको कि ARPA यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या है? प्रोजेक्ट एजेंसी। यानी मतलब क्या हुआ कि जो इसको डेवलप किया, जो इसको बनाया, उसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने क्या किया कि कम नेटवर्क को बनाया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चार कंप्यूटर से उन्होंने क्या किया, अटैच कर दिया इंटरनेट को, और उसके बाद फिर उससे क्या किया कि एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि एक चार कंप्यूटर का उन्होंने सिस्टम बनाया, उसमें नेटवर्क दिया जिसको इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद क्या किया, उनसे उन्होंने मैटर एक्सचेंज करना, शेयर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बात को शेयर किया किससे? किसी साइंटिस्ट से, किसी इंजीनियर से, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से, किसी प्रोफेसर से। उन्होंने अपनी बात शेयर करना शुरू किया कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सारे कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मिलकर और भी रिसर्च किया, फिर हमारा क्या हुआ कि इंटरनेट प्रयोग में आ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा इंटरनेट। और हाँ, इंडिया में 15 अगस्त 1995 में कब आया?
15 अगस्त 1995 में, 1995 में आया, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में आया। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जब इंडिया में आया, ये कब आया, 1995 में इंटरनेट आया, जिसको हम लोग VSNL के नाम से जानते हैं, जो कि इसको सबसे पहले लिया था हमारी गवर्नमेंट सरकार ने ली थी, जिसका नाम है VSNL। मतलब क्या हुआ कि भारत विदेश संचार निगम लिमिटेड, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी थी, क्या नाम था उसका, विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी VSNL। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इंटरनेट को 15 अगस्त 1995 में लाया, और फिर उसके बाद ये क्या किए कि एयरटेल को, रिलायंस को, सीफी को और टाटा टेलीकॉम को, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे 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 प्राइवेट कंपनियों को क्या किया, प्रोवाइड कर दिया इंटरनेट। फिर वो कंपनियां क्या करती हैं, डिटेल्स को जीबी में खरीदती हैं, टीबी में, उसके बाद क्या करती हैं, लोगों तक प्रोवाइड करती हैं, क्या अपने डेटा को ट्रांसफर करती हैं, तभी आज हम आप जैसे आम जनता यूज कर पा रही है दोस्तों। अगर वो कंपनियां ना चले, आज इंटरनेट ना चले, जियो, एयरटेल ना चले, वोडाफोन, तो क्या आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो VSNL कंपनी थी, VSNL, उसमें क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम के लिए यूज करती थी, लेकिन फिर उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को एजेंसीज दिया और नेटवर्क शेयर किया, ताकि इंडिया में सारे जगहों पे ये यूज हो सके दोस्तों, ठीक है। तब आज के समय में हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं आसानी से। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा नाम होता है दोस्तों, जिसको हम लोग जानते हैं WWW के नाम से, किसके नाम से, WWW के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकमात्र क्लिक से, एकमात्र क्लिक से क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। और हाँ, URL होता है, एक URL का नाम सुना होगा, URL यानी कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये क्या करता है कि सारे मैटर को यूनिक तरीके से ढूंढ के उसको आपको देता है। इसके अंदर जो हमारा इंटरनेट होता है, उसके अंदर हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट का मैटर पा सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर कुछ भी ढूंढते हैं तो हमें आसानी से वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें गाने सुन सकते हैं, गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाने ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी हम लोग इसमें खोज सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लिंक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसे हाइपर लिंक के जरिए देखा जाता है दोस्तों, समझिए हमारी बात को दोस्तों। इससे हाइपर लिंक, HTML का नाम आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक हमारा लैंग्वेज है, जो कि आपको पता होगा कि ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फिर भी सारे वेबसाइट्स में यूज होता है। तो इसे हाइपर लिंक के जरिए देखा जाता है। और हाँ, इंटरनेट को चलाने के लिए कोई इकलौती संस्थान नहीं बनी है, कोई इकलौता बंदा नहीं है, काफी कंपनियों मिल करके, काफी लोग मिल करके इसे चलाते हैं, और तभी ये प्रोग्रेस में चलता है। तो आज के समय में जो इंटरनेट है, ना तो उसके बिना आप रह सकते हैं, ना हम रह सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे काम को अंजाम देने वाला इकलौता मात्र नेटवर्क है, जिसको हम लोग इंटरनेट के जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।